हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, लॉन्ग टाइम आई अगेन इन बिफोर यू ड्यू टू माई सिकनेस एंड टुडे इज माई 41st ऑनलाइन लेक्चर क्लास ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी फ्रॉम चैप्टर 4। In the previous class, I told you about the Indian monsoon. Now today, I will tell you about the mechanisms of the monsoons, means factors leading monsoon, how it occurs. I will tell you today. So listen carefully. The monsoon are experienced in the ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन द 20 degree नॉर्थ एंड 20 degree साउथ लैटिट्यूड। ओके, इट इज फाउंड बिटवीन द 20 degree नॉर्थ एंड 20 degree साउथ लैटिट्यूड। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिजम्स ऑफ द मॉनसून, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। Listen, first factor number 1, the differential heating and cooling of the land and water. You know that on the earth different places are situated on the different latitudes. Some are on the equator, it is called torrid zone, some are in the temperate zone, some are in the frigid zone. So there is a differential heating and cooling of the land and water, and that creates low pressure on the landmass of India. While the seas around the experience comparatively high pressure, nami hone ke karan समुद्र तटीय इलाकों में अक्सर हाई प्रेशर देखने को मिलता है। जहाँ गर्म इलाके होते हैं वहाँ लो प्रेशर को मिलता है। कभी भी मानसून हाई से लो की ओर ही चलती है। ओके, कन्वेज फ्लो थ्रू दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ITCZ। Now you ask me, sir, what is ITCZ? ITCZ full form is Intertropical Convergence Zone. Now see, in this region, in summer over the Ganga Plain, this is the equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. 0 degree और 5 degree नॉर्थ के बीच में ये ITCZ रीजन देखने को मिलते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ होती है 0 to 5 degree के बीच में ऑफ द इक्वेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉनसून ट्रॉफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो इसकी वजह से भी वहाँ से नमी आती है, नमी आने के बाद ये समुद्र की ओर आते हुए नॉर्थ की ओर आगे बढ़ती है और वर्षा करती है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया दैट इज द ईस्ट ऑफ मेडगास्कर। नाउ सी, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया, वेयर इज द हाई प्रेशर एरिया फाउंड मोस्टली? इट इज मोस्टली फाउंड इन द ईस्ट ऑफ मेडगास्कर। यू नो अबाउट द मेडगास्कर सी, इट इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली एट द 20 degree साउथ over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affect the Indian monsoon. इसकी जो स्थिति है, location है high pressure की, इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर अधिक पड़ती है। Next factor is the Tibetan plateau get intensively heat
ड्यूरिंग दी समर। जानते हैं तिब्बत का पठार, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, वी ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द तिब्बत। इट गेट्स इंटेंसिवली हीट ड्यूरिंग समर, चट्टानी इलाके होने के कारण गर्मियों में खूब अत्यधिक गर्म होती है, इससे उष्मा अधिक उत्पन्न होती है, विच रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर अधिक क्रिएट होता है। एंड द वर्टिकल एयर करेंट्स ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउट द सी लेवल, और उसकी ऊंचाई समुद्र से कितनी है, 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये बसा हुआ है तिब्बत का पठार। लास्ट फैक्टर इज दैट इज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। नाउ लिसन स्टूडेंट केयरफुली, दिस मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है ये ठंडियों के समय में हिमालय के साउथ की ओर पाई जाती है इन विंटर सीजन, वाइल द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इट इज फाउंड इन द पेनिनसुला रीजन ड्यूरिंग समर। दीज ऑल्सो इफेक्ट द इंडियन मॉनसून। ओके, नाउ सी अबाउट द आई टी सीजन। वॉट इज आई टी सीजन? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दिस इज ए ब्रॉड ट्रफ लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। ये लो प्रेशर एरिया में जहाँ 0 डिग्री होते हैं उस अक्षांश में पाए जाते हैं। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। 0 डिग्री के पास, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट के पास व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती हैं जो भारत की ओर प्रवेश करती है, जिसमें सेलर जो है भारत की ओर आते हैं व्यापार करने के। दिस इज द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ फॉर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये दोनों पैरेलली चलती है इक्वेटर। नेक्स्ट इज, दिस इज अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द मॉनसून, दैट इज द मैकेनिज्म्स ऑफ द मॉनसून। Now next time I am telling you, apart from this, it has also been noticed that changes in the low pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. दक्षिणी महासागर है, इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, इसका भी प्रभाव मानसून पे पड़ता है। Normally when the tropical eastern south pacific ocean experience high pressure, then the tropical eastern indian ocean it experience low pressure. kehne matlab jo dhyan suniye, jab pacific ocean mein jab high pressure hota hai to wahi uska ulta eastern indian ocean mein us samay low pressure hota hai. clear? yani ki eastern south pacific ocean, purvi dakshini prashant mahasagar mein जब प्रेशर हाई होता है तब उस समय ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में प्रेशर लो होता है, एंड इट इज द वाइस वर्सा, ये अपोजिट रहता है हमेशा। बट इन सम सर्टेन ईयर्स देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक, इसका उल्टा होता है, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है। द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, जो ये बदलाव होते हैं
अभी पैसिफिक में लो हो जाता है, इंडियन में हाई होना, इसको हम कहते हैं इट इज दिस कंडीशन इज नोन एज साउदर्न ऑक्सीलेशन, इट ऑल्सो नोन एज एस ओ साउदर्न ऑक्सीलेशन. स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.